अर-रिसाला मार्च 2017। इस्लाम क्या है? इस्लाम का लफ्जी मतलब अतात है, मगर ये अतात जबरी नहीं है बल्कि वो इख्तियारी है। इंसान को उसके पैदा करने वाले ने आज़ाद मखलूक की हैसियत से पैदा किया है। इंसान को इस दुनिया में अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने के एतबार से कामिल आज़ादी हासिल है। वो जिस तरह चाहे सोचे और जिस तरह चाहे करे। इस एतबार से ये कहना सही होगा कि इस्लाम एक खुद इंजिबाती निज़ाम यानी सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन का नाम है। खालिक ने इंसान को पैगंबर के ज़रिए जो दीन भेजा उसकी हैसियत रहनुमा गाइड की है, लेकिन फैसला फिर भी इंसान के अपने इख्तियार में है। इस रहनुमा गाइड का काम इंसान को सिर्फ ये बताना है कि सही क्या है और गलत क्या, लेकिन ये रहनुमा गाइड इंसान पर किसी किस्म का जबर कायम नहीं करता। इंसान की ज़िंदगी का यही वो पहलू है जिसकी बिना पर उसको खलीफा कहा गया है। खलीफा का लुग़वी मतलब है बाद को आने वाला, सक्सेसर, लेकिन मफहूम के एतबार से इसका मतलब है आज़ाद मखलूक। इसी आज़ादी के सही या गलत इस्तेमाल पर इंसान के अबदी मुस्तकबिल का फ़ैसला होने वाला है। इंसान को आज़ादी तो हासिल है, लेकिन उसको किसी किस्म का इख्तदार हासिल नहीं। आज़ादी के एतबार से उसको बेरोक टोक आज़ादी मिली हुई है, लेकिन इख्तदार के एतबार से उसको किसी किस्म की ज़ाती ताकत हासिल नहीं। यही वो फ़र्क है जिसकी बिना पर तमाम इंसान अमलन एहसास महरूमी में जीते हैं, क्योंकि इंसान जो कुछ चाहता है उसको हासिल करने पर वो कादिर नहीं। यही मकाम शैतान के लिए इंसान के अंदर दाखले का मकाम यानी एंट्री पॉइंट है। शैतान इस हकीकत से बाखबर था, इसीलिए उसने आगाज़ इंसानियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा था, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, यानी और तू उनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला ना पाएगा। यही वो हकीकत है जिसको जानने का नाम ईमान यानी मारिफत है, और यही वो हकीकत है जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम अमले सौले है। इनामाते खुदावंदी। कुरान की सूरे अल हदीद की एक आयत ये है, लकद अरसलना रसूलना बिलबैनाती व अनजलना माहुमुल किताब वल मीज़ाना लियकूमन नासु बिलकस्त व अनजलना الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز। यानी हमने अपने रसूलों को निशानियों के साथ भेजा और उनके साथ उतारा किताब और तराजू ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों, और हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ी कुव्वत है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं, और ताकि अल्लाह जान ले कि कौन उसकी और उसके रसूलों की मदद करता है बिन देखे। बेशक अल्लाह ताकत वाला ज़बरदस्त है। आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह की दो सिफतों कवी और अज़ीज़ ऑल स्ट्रॉन्ग ऑल माइटी का ज़िक्र है। इसमें ये इशारा पाया जाता है कि कुरान की इस आयत में अल्लाह की कामिल और जामे नेमतों का बयान है। इस एतबार से ये आयत बेहद अहमियत की हामिल है। कुरान की इस आयत में इंसान के ऊपर अल्लाह की दो बड़ी नेमतों का ज़िक्र है। इन दो बड़ी नेमतों के ज़रिए इंसान के लिए तमाम सआदतों के दरवाज़े खोले गए हैं। इंसान को दुनिया और आखिरत में
तरक्की के लिए जो कुछ दरकार है वो सब आयत में बता दिया गया है, ताकि इंसान गौर करके उनको समझे और सही स्पिरिट के साथ उनको अपने हक में इस्तेमाल करे। कुरान की इस आयत में रसूल से मुराद पैगंबर यानी प्रॉफिट हैं, बय्यिनात से मुराद वो मोजिज़ निशानियां हैं जो ये साबित करने के लिए हैं कि पैगंबर हकीकी मानों में अल्लाह का पैगंबर है। ये मोजिज़ निशानियां ऐसी हैं जो हर ज़ी अक़ल इंसान को ये मानने पर मजबूर करती हैं कि वो शख्स यकीनन अल्लाह का नुमाइंदा है। अब अगर कोई शख्स पैगंबर का इनकार करता है तो उसके पास अपने इनकार का कोई जवाब यानी जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं। क़िस्त से मुराद वही चीज़ है जिसको दूसरे मकाम पर सिराते मुस्तकीम कहा गया है, यानी दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का वो रास्ता जो खालिक के नज़दीक मकबूल रास्ता है। क़िस्त यानी जस्टिस के साथ यहाँ लियकूमा का लफ्ज़ आया है, यानी इससे मुराद किसी फ़र्द का ख़ुद अपनी ज़िंदगी में क़िस्त का पैरो बनना। इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी क़िस्त का झंडा उठाए और सियासी इख्तदार हासिल करके क़िस्त को लोगों के ऊपर नाफिस यानी इम्प्लीमेंट करे। नहवी एतबार से ये कि क़िस्त का हुक्म यहाँ लाजिम के सीगे में है, वो मुतअद्दी के सीगे में नहीं। हदीद का लफ्ज़ी मतलब लोहा यानी आयरन है। गौर करने से मालूम होता है कि यहाँ हदीद का लफ्ज़ गालिबन अलामती तौर पर आया है, यानी इससे मुराद वो चीज़ें हैं जिनको मौजूदा ज़माने में टेक्नोलॉजी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी की तारीफ ये की गई है, द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंसेस। हदीद एक अलामती लफ्ज़ है, इससे मुराद वो तमाम मादनियात हैं जिनको इस्तेमाल करके मौजूदा ज़माने की मशीनें बनती हैं और इनको दौरे जदीद की सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। अव्वलुल मुस्लिमीन। कुरान में एक हुक्म इन अल्फाज में आया है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। यहाँ अव्वलुल मुस्लिमीन का लफ्ज़ आया है। इस आयत का लफ्जी तर्जमा ये होगा कि मैं पहला मुस्लिम यानी फर्स्ट मुस्लिम बनूं। मगर कुरान की इस आयत को लफ्जी माना में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिस वक्त ये आयत उतरी उस वक्त बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और आपकी अहलिया हज़रत खदीजा ने तो ऐन उसी दिन इस्लाम कबूल किया था जबकि अल्लाह ने आपको अपना रसूल मुकर्रर फरमाया। हकीकत यह है कि अव्वलुल मुस्लिमीन या अव्वल मन असलमा की आयात लफ्जी माने में नहीं, बल्कि वो अज़्म के मानी में है यानी स्पिरिट के मानी में। ये उसी स्पिरिट का इजहार था जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में इन अल्फाज में बयान किया जाता है, आई विल डू इट। हकीकत यह है कि ये एक बाअज़्म साहिब मिशन का कलमा है। वो साहिब मिशन के यकीन और अज़्म को बताता है। ये कलमा साहिब मिशन की उस स्पिरिट को बताता है कि अगर कोई मेरा साथ ना दे तब भी मैं इस काम को अंजाम दूंगा। अगर कोई शख्स मेरा साथी ना बने तब भी मैं इस राह पर चलना नहीं छोड़ूंगा। इस किस्म की अजीमत की बात को इसके लफ्जी मानी में लेना दुरुस्त नहीं, बल्कि ऐसी बात को उसकी हकीकी स्पिरिट के मानी में लेना सही होगा। इसी किस्म की एक मिसाल वो है जो खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त कही थी जबकि रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद फितना फैल गया था, जिसको हज़रत आयशा ने इन अल्फाज में बयान किया था, लम्मा तुवफ्फिया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर्तद्दतिल अरब। इस फितने की शिद्दत के एतबार से
हज़रत आयशा ने ये अल्फाज कहे हैं। यहाँ ना हज़रत आयशा के कौल को लफ्ज़ी माने में लेना दुरुस्त होगा और ना हज़रत अबू बकर के कौल को लफ्ज़ी माने में लेना दुरुस्त होगा। उनका कौल ये है, अयनकुसु व अनाहयुन, यानी क्या दीन में कमी की जाएगी हालांकि मैं जिंदा हूँ। ईमान को सीखना। एक सहाबी सोहबत रसूल के बारे में बताते हुए कहते हैं, अन जुंदुबिन कौल कुन्ना मा नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितयानन हजाविरतन फतअल्लमन अल-ईमान क़ब्ल अन नतअल्लम अल-क़ुरआन थुम्मा तअल्लमन अल-क़ुरआन फनज़दादु बिही ईमान फ़इन्नकुम अल-यौम तअल्लमून अल-क़ुरआन क़ब्ल अल-ईमान अल-मुअज्जम अल-कबीर लित-तबरानी। यानी जुंदुब बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने कहा, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हम जवानी की उम्र में थे, बस हमने कुरान का इल्म हासिल करने से पहले ईमान सीखा, फिर हमने कुरान सीखा तो इससे हमारे ईमान में इजाफा हो गया, और तुम लोग आज कुरान सीखते हो ईमान से पहले। इंटरनेट पर एक अरब मोहम्मद अल इबादी ने इसकी शरह इन अल्फाज में बयान की है, तअल्लमनल ईमान क़ब्लल क़ुरआन यानी तहय्यतिल क़ल्बी लितलक़िया तअलीमिल क़ुरआन वल इहतिदा बिअनवारिही फ़हुवा कतहय्यतिल अर्ज़ी हत्ता तकूना सालिहतन लिज़्ज़रई मुल्तका अहलुत तफ़सीर अल ईमानु क़ब्ल अल क़ुरआन। यानी ईमान सीखना कुरान से पहले, इसका मतलब ये है दिल को तैयार यानी प्रिपेयर करना ताकि वो अखस कर सके कुरान की तालीमात को और उसकी रोशनी से हिदायत पा सके। बस वो ऐसा है जैसे ज़मीन को तैयार करना ताकि वो खेती के काबिल हो जाए। इस रिवायत का मतलब कंडीशनिंग के उसूल से समझ में आता है, जैसा कि हदीस में आया है, हर पैदा होने वाला लाजमी तौर पर अपने माहौल से मुतासिर होता है, यहाँ तक कि वो माहौल का प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसी हालत में ईमान कबूल करना अपने जहन के एतबार से एक ऐसी चीज़ को कबूल करना है जो आदमी के लिए एक नई चीज़ है। इसलिए हमेशा ये अंदेशा रहता है कि आदमी नई चीज़ को मुतासिर जहन यानी कंडीशन माइंड के साथ देखे और उसको दुरुस्त तौर पर समझ ना सके। ऐसी हालत में हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो ईमान से पहले एक पेशगी काम करे, यानी अपने जहन की डी कंडीशनिंग करके उसको तैयार जहन यानी प्रिपेयर्ड माइंड बनाए ताकि वो नई चीज़ को खुले जहन के साथ देखे और बेआमेज सूरत में उसको ले सके। ये गोया तत्हीरे जहन यानी प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड का मामला है। इस तत्हीर के बगैर कोई भी शख्स ईमान को हकीकी तौर पर नहीं समझ सकता। इस तत्हीर के बगैर अगर वो ईमान कबूल करता है तो वो उसके लिए दाखिलुल कल्ब ईमान ना होगा, बल्कि वो ईमान लिप सर्विस के तौर पर होगा, और लिप सर्विस वाला ईमान शरीयत में मोतबर नहीं। तत्हीरे जहन का ये अमल सिर्फ इब्तदाई दौर के कुछ सहाबा के लिए नहीं था, बल्कि वो हमेशा के लिए और हर इंसान के लिए ज़रूरी है। कोई भी शख्स जो बाद के ज़माने में ईमान कबूल करता है तो उसको सबसे पहले अपने दाखिलुल कल्ब को मुतहर और मुज़क्का बनाना पड़ेगा, यानी पूरी तरह अपनी डीकंडीशनिंग करनी होगी। जो शख्स इस इब्तदाई शर्त को पूरा करे उसी का ईमान सच्चा ईमान है। जो आदमी
इस इब्तदाई शर्त को पूरा किए बगैर सिर्फ पैदाइश के तौर पर मुस्लिम बन जाए या कलमे के अल्फाज को ज़बान से अदा करके इस्लाम कबूल कर ले, उसका ईमान अल्लाह के नज़दीक मोतबर ईमान ना होगा। उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो या तो पहले मरहले में या बाद के मरहले में अपना मुहासबा करके भरपूर तौर पर अपने जहन की डीकंडीशनिंग करे, अपने आप को मुतहर और मुज़क्का बनाए। इसके बाद ही उसका ईमान मोतबर होगा, इसके बाद ही उसका ईमान उसके लिए हिदायत की रोशनी बनेगा, इसके बाद ही वो इस काबिल होगा कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस आयत का मिसदाक बने। आयत का तर्जुमा ये है, यानी क्या वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसको ज़िंदगी दी और हमने उसको एक रोशनी दी कि इसके साथ वो लोगों में चलता है। हकीकत ये है कि ईमान और इस्लाम का मामला एक प्रोसेस का मामला है। पहले आदमी शऊरी तौर पर इस बात का एतराफ़ करता है कि वो अब तक बेखबरी की ज़िंदगी गुजार रहा था, अंधेरे के बाद उस पर रोशनी का दरवाज़ा खुला है। इसके बाद वो अपना मुहासबा यानी इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी भरपूर डीकंडीशनिंग करता है। इसके बाद वो अपने आप को आलूदगी से पाक करके वो जहन बनाता है जिसको शरीयत में मुज़क्का शख्सियत कहा जाता है। इसके बाद वो वक्त आता है जबकि वो कुरान को पढ़े और उसको गहराई के साथ अपना सके। मुबारक लोग। एक मशहूर हदीस है, बदा अल इस्लामु गरीबन व सयाउदु कमा बदा गरीबा फतूबा लिल गुरबा। सही मुस्लिम। यानी इस्लाम शुरू हुआ तो वो अजनबी था और दोबारा वो अजनबी हो जाएगा जैसा कि वो शुरू में था। बस मुबारक हैं वो लोग जो अजनबी हो जाएं। गरीब का मतलब अजनबी यानी स्ट्रेंजर है। अजनबियत का लफ्ज़ एक तकाबुली लफ्ज़ है, यानी किसी के मुकाबले में अजनबी हो जाना। 7वीं सदी ईस्वी के रुब अव्वल में पैगंबर इस्लाम कदीम अरब में आए। उस वक्त वहाँ बनु इस्माइल आबाद थे। इब्तिदाअन वो लोग दीन इब्राहिमी पर कायम थे, मगर उनके बाद की नस्लों पर जवाल आया। वो लोग अब भी दीन इब्राहिम का नाम लेते थे लेकिन वो अमलन असल इब्राहिमी दीन पर ना थे। बाद के ज़माने में हकीकी इब्राहिमी दीन उनके दरमियान अजनबी हो चुका था। वो दीन इब्राहिमी के एक खुद साख्ता वर्जन को इब्राहिम का दीन समझने लगे थे। इस अजनबियत की बिना पर वो पैगंबर इस्लाम के मुखालिफ बन गए। हालांकि पैगंबर इस्लाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसी दीन को ज़िंदा कर रहे थे जिसको रसूलल्लाह के मुआसिर अरब अपने कौमी फ़खर के तौर पर लिए हुए थे। मस्कूरा हदीस के मुताबिक यही मामला बाद के ज़माने में दीन इस्लाम के साथ पेश आएगा, यानी कुरान और सुन्नत वाला दीन जवाल याफ्ता मुसलमानों के दरमियान एक अजनबी दीन बन जाएगा। बज़ाहिर वो दीन मोहम्मदी का नाम लेंगे और उस पर फ़ख्र करेंगे, लेकिन हकीकी एतबार से वो दीन मोहम्मदी से इतना दूर हो चुके होंगे कि असल दीन मोहम्मदी उनके लिए एक अजनबी दीन की हैसियत इख्तियार कर लेगा। दीन इब्राहिमी और दीन मोहम्मदी दोनों अपनी असल के एतबार से खालिस तौहीद के मज़ाहिब थे, लेकिन बाद के ज़माने में दोनों के मानने वालों पर जवाल आएगा। दोनों के मानने वाले बज़ाहिर दीन इब्राहिमी और दीन मोहम्मदी का नाम लेंगे, लेकिन अमलन वो इतना ज़्यादा बिगड़ चुके होंगे कि उनके दरमियान असल दीन इब्राहिमी और असल दीन मोहम्मदी दोनों अजनबी दीन की मानें
बन जाएंगे। मुबारक अजनबी से मुराद कौन लोग हैं? इससे मुराद वो अफराद हैं जो इस मामले का मुतालिया गैर मुतासिबाना तौर पर करें, जो खुले जहन के साथ बातों को दोबारा समझने की कोशिश करें, जो अपनी डीकंडीशनिंग करके अपने आप को इस काबिल बनाएं कि दीन मोहम्मदी को उसकी असल सूरत में पहचान सकें। इसके बाद वो बिगाड़ के ज़माने में असल दीन को दोबारा दरियाफ्त यानी रीडिस्कवर करें। वो बाद के ज़माने में बनने वाली तारीख को हजफ करके दोबारा पैगंबर के लाए हुए दीन को समझें। ऐसे लोग अगरचे लोगों के नज़दीक अजनबी हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो खुशकिस्मत लोग हैं। उनके लिए अल्लाह के यहाँ बड़े दर्जात हैं। 7वीं सदी ईस्वी में ऐसा हुआ कि पैगंबर इस्लाम ने अहले अरब के सामने दीन इब्राहिमी को उसकी बेआमेज सूरत में पेश किया, लेकिन कदीम अहले अरब पैगंबर इस्लाम के मुखालिफ बन गए। इसकी वजह क्या थी? जबकि वो खुद इस बात पर फख्र करते थे कि वो दीन इब्राहिम को मानने वाले लोग हैं, तो वो पैगंबर इस्लाम के मुखालिफ क्यों हो गए? ये रविश अहले अरब की बाद की नस्लों की थी, यानी अहले अरब यानी बनू इस्माइल की बाद की नस्ल के अंदर धीरे धीरे असल दीन इब्राहिम के स्पिरिट ख़त्म हो गई। उनके यहाँ दीन के नाम से एक कौमी कल्चर बन गया, जिसको बतौर खुद वो दीन इब्राहिम का नाम देने लगे, जबकि असल सूरत हाल ये थी कि आप इब्राहिमी दीन ही को उनके सामने पेश कर रहे थे। उनकी मुखालफत का सबब ये था कि असल दीन इब्राहिम उनके यहाँ अजनबी दीन बन चुका था। वो अपने कौमी कल्चर को दीन इब्राहिम के नाम से जानने लगे थे। यही सबब था जिसकी बिना पर वो पैगंबर इस्लाम के मुखालिफ बन गए, हत्ता कि आपके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये सूरत हाल सिर्फ कदीम अरबों की ना थी, बल्कि ये एक अमूमी तारीखी ज़ाहरा है जो हर कौम के साथ हमेशा पेश आता है। हर कौम में ऐसा होता है कि इब्तिदाअन जो चीज़ उनके यहाँ मज़हब के तौर पर होती है, वो बाद की नस्लों के लिए एक कौमी कल्चर बन जाती है। जब ऐसा होता है तो बाद की नस्लों के लिए असल मज़हब एक अजनबी चीज़ बन जाता है। इस मसले का हल सिर्फ ये है कि बाद के ज़माने के लोग अपनी डीकंडीशनिंग करके अपने आप को दोबारा इस काबिल बनाएं कि वो असल मज़हब को पहचान सकें। इस्लाहे उम्मत, उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह एक मुस्तकिल मौजू है जिस पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ बोला है। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर मुसलसल बहस जारी रहती है। ताहम इस मौजू पर एक मुतालिक रिवायत है जो इस सिलसिले में एक रहनुमा रिवायत की हैसियत रखती है। ये रिवायत वहब इब्ने कैसान की है, जो आला दर्जे के फ़कीह माने जाते हैं। वो मदीना में पैदा हुए, यहीं उन्होंने तालीम पाई और कई सहाबा से मुलाकात की, मसलन इब्ने अब्बास, अबू सईद अल-खुदरी, जाबिर बिन अब्दुल्ला, इब्ने ज़ुबैर और उम्र बिन अबी सलमा वगैरह। वो इमाम मालिक तबा ताबई वगैरह के उस्ताद थे। उनकी वफ़ात 127 हिजरी में मदीने में हुई। इमाम मालिक अपने उस्ताद वहब इब्ने कैसान के बारे में कहते हैं, काना वहब इब्ने कैसान यक़ुद इलैना थुम्मा ला यकूमु अबदन हत्ता यकूल लना इन्नहु ला युस्लिहु आखिर हाज़िहिल उम्मा इल्ला मा असलहा अव्वलहा قلت له يريد ماذا قال يريد التقى مسند المعطى للجوهري। यानी वहब इब्ने कैसान ताबई हमारे दरमियान बैठते, फिर वो उठने से पहले हमेशा ये कहते, बेशक
इस उम्मत के आखिर की इस्लाह उसी तरीक़े से होगी जिस तरीक़े से इस उम्मत के पहले की इस्लाह हुई। रावी ने पूछा कि इससे वो क्या मुराद लेते थे। इमाम मालिक ने कहा, इससे उनकी मुराद तकवा होती थी। बाद के ज़माने से मुराद जवाल का ज़माना है। उम्मत का बाद का ज़माना खला का ज़माना नहीं होगा, बल्कि वो भरपूर सरगर्मियों का ज़माना होगा। बाद के ज़माने में लोगों के पास अपने माजी की बुनियाद पर एक तारीख होगी, एक कल्चर होगा, दीन का एक तसव्वुर होगा वगैरह। इसके बावजूद वो असल दीन से दूर जा चुके होंगे। उनकी इस्लाह की सूरत सिर्फ ये होगी कि उनको पीछे की तरफ लौटाया जाए, उनको दोबारा उस दीन पर कायम किया जाए जो दौरे अव्वल में रसूल और असाबे रसूल के दरमियान पाया जाता था। दूसरे अल्फाज में ये कि पैगंबर के बाद उम्मत के दरमियान एक तारीख बनना शुरू होगी। धीरे धीरे वो वक्त आ जाएगा जबकि लोग इस्लाम का नाम लेंगे, लेकिन अमलन वो बाद के ज़माने में बनने वाली तारीख पर खड़े होंगे। अब उनका मॉडल बाद को बनने वाली तारीख का मॉडल होगा, ना कि रसूल और असाबे रसूल का मॉडल। ऐसी हालत में ज़रूरी होगा कि लोग इस्लाम और मुस्लिम तारीख के दरमियान फ़र्क को दरियाफ्त करें। वो बाद में बनने वाली तारीख को हज़फ करके असल इस्लाम को जाने और उस पर दोबारा कायम हो जाएं। गोया के उनके लिए इस्लाम दरियाफ्ते सानी या रीडिस्कवरी का मौजू बन चुका होगा। इस दरियाफ्ते सानी के बग़ैर असल दीन उनके लिए अजनबी बन चुका होगा। इस अजनबियत को दूर करने की सूरत सिर्फ ये होगी कि वो अपनी डी कंडीशनिंग करें। दोनों ज़माने के फ़र्क को इस तरह बयान किया जा सकता है कि दौरे अव्वल का दीन मबनी पर तकवा होगा, मगर जवाल का दौर आने के बाद लोगों के दरमियान एक ऐसा दीन राइज हो जाएगा जो एक किस्म का कौमी दीन होगा। वो खुदा रुखी दीन ना होगा, बल्कि वो कौमी रुखी दीन बन जाएगा। यहाँ ये सवाल है कि तकवा क्या चीज़ है जिसके मफकूद होने की वजह से बाद के ज़माने के लोगों के लिए हकीकी दीन अजनबी दीन बन जाएगा। इस रिवायत के मुताबिक इब्तिदाई दौर के अहले ईमान तकवा का तरीक़ा इख्तियार करके इस्लाह याफ्ता बने थे। बाद के ज़माने के लोगों को भी यही करना होगा कि वो अपनी गैर मुत्तकियाना रविश को छोड़ें और दोबारा तकवा के तरीक़े को इख्तियार करें। तकवा से मुराद ये है कि आदमी एक ऐसी रविश को इख्तियार करे जो अल्लाह के मुआखज़ा के तसव्वुर पर मबनी हो, जो अल्लाह के सामने जवाबदही के एहसास पर कायम हो। दो दुनियाएं। खालिक ने दो दुनियाएं बनाईं, एक इंसानी दुनिया और दूसरे मादी दुनिया, जिसको इल्मी ज़बान में नेचर कहा जाता है। कायनात का मुतालिया करने वाला इन दोनों दुनियाओं के दरमियान एक अजीब फ़र्क पाता है। इंसानी दुनिया असफला साफलीन की दुनिया है। इसके मुकाबले में मादी दुनिया के बारे में खालिक का ये ऐलान है कि ला तरा मिन फतूर। दोनों दुनियाएं इस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ यानी डिफरेंट क्यों हैं? इसका जवाब कुरान में तलाश किया जाए तो ये मालूम होगा कि मादी दुनिया मुसख़र दुनिया है, यानी खिदमतगार दुनिया। इसके बरक्स इंसानी दुनिया एक आज़ाद दुनिया है। दूसरे लफ्ज़ों में ये है, बकिया दुनिया अगर खिदमतगार दुनिया है तो इंसान इस दुनिया का मास्टर है। इंसान को सरदारी का यह मकाम मौजूदा दुनिया में बज़ाहिर अमूमी तौर पर मिला हुआ मकाम दिखाई देता है, लेकिन आखिरी हकीकत के एतबार से ये मकाम इंतखाबी बुनियाद
यानी सिलेक्टिव बेसिस पर मिलने वाला है। इंसान के बारे में ये हकीकत कुरान की इस आयत से मालूम होती है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुमको जांचे कि तुम में से कौन अच्छा काम करता है। इसका मतलब ये है कि इंसान को एक ऐसी दुनिया में रखा गया है जहां हर किस्म के तजर्बा पेश आए, उसको मुसलसल तौर पर चैलेंज के दरमियान ज़िंदगी गुजारना पड़े, उसके लिए मुख्तलिफ इंतखाबात यानी ऑप्शंस हों, और उसको अपनी अकल को इस्तेमाल करके ये जानना पड़े कि उसको कौन सा इंतखाब लेना है और कौन सा इंतखाब छोड़ देना है। इस तरह मुख्तलिफ हालात से गुज़रते हुए वो इंसान बनता है जिसको कुरान में अहसनुल अमल कहा गया है, यानी अहसनुल अमल बेस्ट इन कंडक्ट वाले अफराद हैं जिनको मुंतखब करके अबदी जन्नत में बसाया जाएगा। वो वहाँ खालिक के कुर्ब में अबदी तौर पर आला ज़िंदगी गुजारेंगे। दोनों दुनियाओं के दरमियान जो फ़र्क है वो एक बामाना हिकमत पर मबनी है। मौजूदा दुनिया एक इम्तहानी दुनिया यानी टेस्टिंग ग्राउंड है, इसलिए ज़रूरी था कि वो गैर मयारी दुनिया यानी इम्परफेक्ट वर्ल्ड हो। अगर वो मयारी दुनिया होती तो इंसान को जांचने के लिए इम्तिहान गाह यानी टेस्टिंग ग्राउंड नहीं बन सकती। मौजूदा दुनिया के गैर मयारी होने की वजह से इंसान को यहाँ बार बार मसाइल यानी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यही वो मसाइल हैं जो इंसान के लिए ये मौका फराहम करते हैं कि वो अपने अमल से ये साबित करे कि दो इंतखाबात में से किस इंतखाब को वो लेता है और किस इंतखाब को छोड़ देता है। अगर दोनों दुनियाएं यकसा तौर पर मयारी होती तो यहाँ वो अमल यानी प्रोसेस जारी नहीं हो सकता था जहाँ इंसान को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंज पेश आए। ये दरअसल दोनों दुनियाओं का फ़र्क है जिसकी वजह से बार बार यहाँ चैलेंज की सूरत हाल पेश आती है। चैलेंज की सूरत हाल का नतीजा ये है कि इसकी वजह से इंसान का जहन बार बार ट्रिगर होता रहता है। इंसान के जहन में बार बार ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। इंसान के अंदर छुपे हुए इम्कानात यानी पोटेंशियल्स जागते हैं। इसकी वजह से इंसान का जहन कभी जमूद यानी स्टेग्नेशन का शिकार नहीं होने पाता। इसकी वजह से बार बार ऐसा होता है कि इंसान को ये मौका मिलता है कि वो अपने जहन को किस रुख पर इस्तेमाल करे, मुस्बत रुख पर या मनफी रुख पर। इंसान के लिए जो मुस्तकबिल मुकद्दर किया गया है उसके मुताबिक इंसान को ये करना है कि वो अपने आप को एक तरक्की याफ्ता शख्सियत यानी डेवलप्ड पर्सनैलिटी बनाए। यही तरक्की याफ्ता शख्सियत है जिसको कुरान में मुज़क्का शख्सियत कहा गया है। ये मुज़क्का शख्सियत आसानी के हालात में नहीं बन सकती थी, वो सिर्फ मुश्किल हालात में बनने वाली थी। इसलिए खालिक ने कायनात में ये बामाना फ़र्क रखा। मुज़क्का शख्सियत वो है जो खुद तैयार करदा शख्सियत यानी सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो। ये वो इंसान है जो खुद दरियाफ्त करदा मारिफत पर खड़ा होता है। ये वो इंसान है जो अपने अमल से ये साबित करता है कि वो मास्टर ऑफ सिचुएशन था, ना कि सब्जेक्ट ऑफ सिचुएशन। मौजूदा दुनिया आखिरत की दुनिया की नर्सरी है। नर्सरी वो इब्तदाई मकाम है जहाँ छोटे पौधों को उगाया जाता है ताकि बाद को उनको बड़े बाग में नस्ब किया जाए। अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर प्लांटिंग एल्सवेयर। मौजूदा दुनिया को इस तरह बनाया गया है कि वो इंसान के लिए
इब्तदाई नर्सरी का मकाम बन सके और आखिरत की दुनिया में जन्नत को इस तरह मयारी अंदाज में तामीर किया गया है कि वो इंसान के लिए हैबिटेट बन सके। ताहम इस हैबिटेट में हर इंसान को अमूमी बुनियाद पर दाखिल नहीं किया जाएगा बल्कि सिर्फ मुंतखब बुनियाद पर दाखिल किया जाएगा, यानी हर इंसान की पिछली ज़िंदगी के रिकॉर्ड को देखा जाएगा। इस साबिका रिकॉर्ड में जो मर्द या औरत काबिले इंतखाब करार पाएंगे उनको आखिरत के हैबिटेट यानी जन्नत में बाइज्जत तौर पर दाखिले का मौका दिया जाएगा। खालिक के तख्लीकी नक्शे यानी क्रिएशन प्लान के मुताबिक यही दोनों दुनियाओं की हैसियत है। ये खालिक का अपनी तख्लीक के बारे में फैसला है। इस फैसले में कभी कोई तब्दीली होने वाली नहीं। इंसान को अपने ज़ाती अमल के बारे में इख्तियार हासिल है, लेकिन इंसान को ये इख्तियार हरगिज़ हासिल नहीं कि वो खालिक के नक्शे में कोई तब्दीली करे या उसको कबूल करने से इनकार कर दे। इंसान को बहरहाल इसी तख्लीकी नक्शे के मुताबिक या तो अपने आप को कामयाब बनाना है या हमेशा के लिए नाकामी के गढ़े में डाल देना है। एतमाद अल्लाह, खुद एतमादी या इत्तिका बिन नफ्स यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की इस्तिलाह कुरान या हदीस में इस्तेमाल नहीं हुई है। इसके बजाय कुरान और हदीस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो तवक्कल अल्लाह का लफ्ज़ है। ये फ़र्क कोई सादा बात नहीं, ये एक बेहद अहम फ़र्क है। खुद एतमादी का लफ्ज़ एक डिसेप्टिव लफ्ज़ है, इससे सारा फोकस अपनी ज़ात पर चला जाता है जिसका नतीजा फ़ख्र यानी प्राइड होता है। इसके बरक्स अगर आप तवक्कल अल्लाह का लफ्ज़ बोलें तो आपका सारा फोकस अल्लाह पर कायम रहेगा और इसके नतीजे में आपके अंदर तवाज़ो यानी मॉडेस्टी पैदा होगी। गौर करने से समझ में आता है कि खुद एतमादी का काम असलन सिर्फ एक है, वो ये कि खुद एतमादी आपको पहले कदम यानी फर्स्ट स्टेप की हिम्मत देता है। इसके बाद सारा काम कवानीने फितरत के तहत अंजाम पाता है जो कि खालिक ने इस दुनिया में कायम किया है। ये कहना सही होगा कि किसी मामले में खुद एतमादी का हिस्सा 1% है और कवानीने फितरत का हिस्सा 99%। खुद एतमादी बज़ाहिर एक अच्छी सिफत है, लेकिन इज्तमाई ज़िंदगी में वो अक्सर मसला पैदा करने का सबब बन जाती है। जिस आदमी के अंदर खुद एतमादी हो वो अक्सर शौरी या गैर शौरी तौर पर ये समझ लेता है कि काम जो हुआ है वो सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। इस बिना पर वो चाहने लगता है कि काम का सारा क्रेडिट सिर्फ उसको मिले। इसका नतीजा ये होता है कि वो इज्तमाईयत का एक प्रॉब्लम मेंबर बन जाता है। वो जब देखता है कि उसको सारा क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो वो मनफी सोच में मुब्तिला हो जाता है। वो इस काबिल नहीं रहता कि इज्तमाई ज़िंदगी में जो रोल उसको अदा करना था उस रोल को वो बखूबी तौर पर अदा कर सके। इसके बरक्स तवक्कल अल्लाह या एतमाद अल्लाह की नफ्सियात से इंसान के अंदर हर किस्म के मुस्बत औसाफ यानी पॉजिटिव क्वालिटीज़ पैदा होती हैं। वो इज्तमाई ज़िंदगी का एक सेहतमंद मेंबर बन जाता है। वो इस काबिल हो जाता है कि वो इज्तमाई ज़िंदगी में अपने मतलूब रोल को बखूबी तौर पर अदा कर सके। ख़त्मे नबुवत। कुरान में ये ऐलान किया गया है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुवत ख़त्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। वसीतर मानों में इसका मतलब ये है कि आपके बाद इंसानी तारीख एक नए दौर में दाखिल हो गई है। अब किसी इंसान को दावा यानी क्लेम की ज़बान में बोलने का हक नहीं होगा। अब अगर कोई शख्स दीन हक की
खिदमत करना चाहता है तो उसको सिर्फ ये करना होगा कि वो मुखलिसाना तौर पर जिस चीज़ को अपनी दीनी ज़िम्मेदारी समझे उसके लिए वो अल्लाह की मदद का तालिब बने और दुआ करते हुए उस पर अमल शुरू कर दे। इसी के साथ ये ज़रूरी होगा कि वो हर लम्हा अपनी इस्लाह के लिए तैयार रहे। जब भी उस पर वाज़े हो कि फहमे दीन में उससे कोई गलती हुई है तो वो फौरन रुजू कर ले, और जो दीन सही उस पर वाज़े हुआ है दोबारा उस पर कायम हो जाए। ख़त्म नबूवत का मतलब दावा की ज़बान का ख़त्म होना है। अब कोई शख्स मुद्दाइयाना ज़बान बोलकर अपने अमल का आगाज़ नहीं कर सकता। इज्तिहाद का दरवाज़ा अब भी खुला हुआ है, लेकिन मुद्दाइयाना कलाम का दरवाज़ा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मसलन अगर कोई शख्स ये ऐलान करे कि मैं महदी मौऊद हूँ या मैं इमाम ज़माना हूँ, तो इस किस्म का दावा अपने आप ही काबिले रद्द करार पाएगा, यानी प्राइमा फेशी इट स्टैंड्स रिजेक्टेड। अगर किसी शख्स को ये तौफीक मिले कि वो दीन सही को दरियाफ्त करे और इखलास के साथ वो उस पर कायम हो जाए, तब भी उसको ये हक नहीं कि वो दावे की ज़बान बोले। बा एतबारे हकीकत अगर वो एक हिदायत याब शख्स है तो इसका ऐलान सिर्फ आखिरत की अदालत में किया जाएगा। बतौर खुद कोई शख्स ये हक नहीं रखता कि वो अपने आप को नबी की मानिंद हिदायत याब समझे। पैगंबर इस्लाम ने कहा था अनन नबीयु ला कदिब, सही बुखारी, लेकिन किसी गैर पैगंबर को इस तरह की मुद्दाइयाना ज़बान में कलाम करने का हक नहीं है। अब आदमी सिर्फ अमल का हक रखता है, दावा की ज़बान में बोलने का हक किसी को नहीं। ट्रेन ऑफ थॉट। एक मोमिन जिसको अल्लाह की दरियाफ्त हुई हो, जो कायनात में अल्लाह की निशानियों को देखता हो, जिसको उसके तदब्बुर ने मुतवस्सिम बना दिया हो, ऐसा इंसान एक मुख्तलिफ किस्म का इंसान होता है। उसके जहन में हमेशा ट्रेन ऑफ थॉट का सिलसिला जारी रहता है। हर वाक़या उसके जहन को ट्रिगर करता रहता है। इस बिना पर उसके अफकार का सफ़र रुके बगैर रात दिन जारी रहता है। यही वो हकीकत है जिसको कुरान में इन अल्फाज में बयान किया गया है। इन आयतों का तर्जुमा ये है, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात दिन के बारी बारी आने में अक्ल वालों के लिए बहुत निशानियां हैं, जो खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते रहते हैं। वो कह उठते हैं, ऐ हमारे रब, तूने ये सब बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है, बस हमको आग के अजाब से बचा। इस हकीकत को सीरत रसूल के हवाले से इन अल्फाज में बयान किया गया है, मुतवासिल अहजान दाइमल फिक्र लैसत लहू राहा तवील सख्त ला यतकल्लमु फी गैर हाजा शरह अस्सुन्ना लिल बगवी। यानी आप बेहद संजीदा और मुसलसल गौर व फिक्र में रहते थे, आपके लिए कोई राहत नहीं थी, देर तक खामोश रहते, बगैर ज़रूरत बात ना करते। यही वो मिजाज है जो किसी इंसान के अंदर वो आला सिफ्त पैदा करता है जिसको तख्लीकी फ़िक्र यानी क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। तख्लीकी फ़िक्र वाला आदमी हर आन दुनियाए हकीकत का मुसाफिर बना रहता है। वो हर लम्हा मारिफत के नए आइटम दरियाफ्त करता रहता है। इसके नतीजे में उसकी शख्सियत एक तरक्की याफ्ता शख्सियत यानी डेवलप्ड पर्सनैलिटी बन जाती है। यही जहनी इर्तिका का आला दर्जा है। इस इर्तिकाई सफ़र की लाजमी शर्त यह है कि आदमी अपने आप को हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचाए।
स्पिरिचुअल आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक जदीद तसव्वुर है। इसका मतलब यह है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के वसाइल को अपने हक में इस्तेमाल करे। आउटसोर्सिंग मीन्स गोइंग आउट टू फाइंड द सोर्स ऑफ व्हाट यू नीड। आउटसोर्सिंग दरअसल इस्तेमार या यूटिलाइजेशन की जदीद सूरत है। इस लफ्ज़ का बाकायदा इस्तेमाल 1989 में मगरब में सनत व तजारत के मैदान में शुरू हुआ। कदीम ज़माने में इस्तेमार की एक ही सूरत थी और वो थी फौजी इस्तेमार या सियासी इस्तेमार, यानी पहले ताकत के ज़ोर पर दूसरों के ऊपर कब्ज़ा करना और फिर दूसरों के वसाइल को अपने हक में इस्तेमाल करना। लेकिन मौजूदा ज़माने में जदीद वसाइल की दरियाफ्त ने आउटसोर्सिंग के तसव्वुर को बदल दिया है। अब तंजीम यानी ऑर्गेनाइजेशन ने यह मुमकिन बना दिया है कि फौजी या सियासी ताकत का इस्तेमाल किए बगैर पुरअमन मंसूबा बंदी के ज़रिए आउटसोर्सिंग का फ़ायदा बड़े पैमाने पर हासिल किया जाए। मौजूदा ज़माने में बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरीक़े को वसी पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इनकी आउटसोर्सिंग मादी इंटरेस्ट के लिए होती है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग का एक और मैदान है और वो है स्पिरिचुअल आउटसोर्सिंग, यानी दूसरों के कायम करदा वसाइल को अपने रूहानी और ज़हनी इर्तिका के लिए इस्तेमाल करना। मसलन आप हवाई जहाज़ को फ़ज़ा में उड़ता हुआ देखते हैं तो आपको ये आयत याद आ जाती है, वसख़र लकुम मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज़ी जमीअम मिन्हु, यानी और उसने आसमानों और ज़मीन की तमाम चीज़ों को तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया, सबको अपनी तरफ से। आप इस वाक़े को खालिक की तरफ मंसूब कर देते हैं और फिर हवाई जहाज़ के ज़रिए आप तस्खीर की एक मिसाल दरियाफ्त करते हैं। आप कहते हैं कि रब्बुल आलमीन की कुदरत कैसी अजीब है, उसने मादा यानी मैटर को हुक्म दिया कि वो इंसान के हुक्म से परवाज़ करे, तो मादा इंसान को लेकर फ़ज़ा में उड़कर इंसान को तेज़ रफ्तारी के साथ एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचा रहा है वगैरह। तिजारती आउटसोर्सिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास बहुत से ज़रूरी वसाइल मौजूद हों। ज़रूरी मादी वसाइल के बग़ैर आप किसी के इंफ्रास्ट्रक्चर से आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते, मगर स्पिरिचुअल आउटसोर्सिंग के लिए किसी किस्म की कोई शर्त ज़रूरी नहीं। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है आपके अंदर इर्तिका याफ्ता ज़हन यानी डेवलप्ड माइंड का मौजूद होना। अगर आपके अंदर इर्तिका याफ्ता ज़हन मौजूद हो तो आप किसी किस्म के ज़ाहरी असबाब के बग़ैर हर वाक़े से स्पिरिचुअल आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। मादी आउटसोर्सिंग की एक हद होती है, लेकिन स्पिरिचुअल आउटसोर्सिंग की कोई हद नहीं। स्पिरिचुअल आउटसोर्सिंग का मैदान पूरी कायनात है। स्पिरिचुअल आउटसोर्सिंग अपनी नौयत के एतबार से यूनिवर्सल आउटसोर्सिंग के हम माना है। कहा जाता है कि मौजूदा ज़माना कम्युनिकेशन का ज़माना है। इसका मतलब क्या है? मौजूदा ज़माने का कम्युनिकेशन दूसरे अल्फाज में आउटसोर्सिंग के लिए आलमी वसाइल के इस्तेमाल को मुमकिन बनाता है। इब्तदाई तौर पर इंसान अपने सोचने की ताकत को इस्तेमाल करके स्पिरिचुअल आउटसोर्सिंग का अमल शुरू करता है, फिर वो अपने आसपास के वसाइल को स्पिरिचुअल आउटसोर्सिंग के लिए इस्तेमाल करता है, हत्ता कि उसका ज़हनी इर्तिका यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसको उस मकाम तक पहुंचाता है कि वो सारी कायनात को अपने लिए स्पिरिचुअल आउटसोर्सिंग का ज़रिया बना ले। स्पिरिचुअल आउटसोर्सिंग की कोई हद नहीं। जहाज़ की परवाज़ की एक हद हो सकती है, लेकिन इंसान की ज़हनी परवाज़ की कोई हद नहीं। स्पिरिचुअल आउटसोर्सिंग में वो चीज़ भी पूरी तरह शामिल है जिसको
दावती आउटसोर्सिंग कहा जा सकता है। मौजूदा ज़माने में आउटसोर्सिंग के तरीक़े ने इसको मुमकिन बना दिया है कि दावत का काम किसी सियासी ताकत के बग़ैर आलमी सतह पर अंजाम दिया जाए। मुसीबत क्यों? खालिक ने इंसान को एहसन तकवीम के साथ पैदा किया, इसके बाद उसको असफला साफिलीन में यानी सफरिंग में डाल दिया। ये मामला किसी सज़ा के लिए नहीं हुआ बल्कि रहमत के लिए हुआ, इसलिए कि इंसान को बेपनाह इम्कानात यानी पोटेंशियल के साथ पैदा किया गया है। खालिक चाहता है कि उसके ये इम्कानात वाकया बने और आज़ाद इंसान के लिए अपने इम्कानात को वाकया बनाने का यही वाहिद कोर्स है। फितरत के कानून के मुताबिक मुसीबत से आदमी की हसासियत जागती है, हसासियत से सोच पैदा होती है और फिर सोच नई दरियाफ्त तक पहुंचती है। सफरिंग प्रोड्यूसेस सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी लीड्स टू ग्रेटर थिंकिंग एंड थिंकिंग रिजल्ट्स इनटू डिस्कवरी। मस्कूरा मामले को इस जाविये से देखिए तो मालूम होगा कि सफरिंग इंसान के लिए नेमत यानी ब्लेसिंग है। सफरिंग का ये फ़ायदा है कि आदमी को ये मौका मिलता है कि वो अपने पोटेंशियल को एक्चुअल बना सके। यही वो वाहिद तरीक़ा है जिससे इंसान के फितरी इम्कानात ज़हूर में आते हैं। ये अमल यानी प्रोसेस मैन को सुपरमैन बनाने वाला है। तारीख से इसकी तस्दीक होती है। तारीख में जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं वो सब सफरिंग से गुजरकर आर्टिस्ट बने हैं। मसलन जॉन मिल्टन इंग्लिश ज़बान का एक अजीम शायर माना जाता है। ये दर्जा उसको उसकी किताब फिरदौस गुमगश्ता यानी पैराडाइज लॉस्ट की वजह से मिला। ये किताब 6 साल में मुकम्मल हुई। अंधा हो जाने की वजह से वो खुद अपने हाथ से लिख नहीं सकता था। उसने इस किताब को इमला कराया। मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट एंटायरली थ्रू डिक्टेशन विद द हेल्प ऑफ अमेन्युएंसिस एंड फ्रेंड्स। राहे अमल। इस्लाम में जिंदगी का जो तस्वुर दिया गया है वो ये है कि इस दुनिया के बनाने वाले ने इस दुनिया को इस तरह बनाया है कि यहाँ हमेशा उस्र के साथ युस्र मौजूद रहता है। एक एतबार से अगर मुश्किल हो तो दूसरे एतबार से आसानी भी यहाँ ज़रूर पाई जाएगी। इसी का नाम इस्लामी हिकमत है। यानी इस्लामी हिकमत यानी इस्लामिक विजडम का मतलब है उस्र में युस्र को देखना। इसका ताल्लुक एक शख्स की ज़ाती ज़िंदगी से भी है और पूरी मिल्लत की इज्तिमाई ज़िंदगी से भी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में एक सुन्नत वो है जो हिजरत के बाद के वाक़यात से मालूम होती है और वो है मनफी असबाब के बावजूद मुस्बत बुनियाद पर मंसूबा बनाना। हिजरत के बाद मुसलमान ज़ख़म खोरदा थे। उस वक्त आपके लिए एक ऑप्शन ये था कि आप विक्टिमाइज्ड कम्युनिटी के जज्बात यानी सेंटिमेंट्स को लेकर अपना मंसूबा बनाते। दूसरा ऑप्शन ये था कि वसीतर दुनिया में जो मवाक़े हैं उनको लेकर मंसूबा बनाना। पैगंबर इस्लाम ने पहले ऑप्शन को छोड़ा और दूसरे ऑप्शन की बुनियाद पर अपना दावती मंसूबा बनाया। ये मंसूबा पूरी तरह कामयाब रहा। मौजूदा ज़माने में दोबारा मुसलमानों के सामने यही दो ऑप्शन थे। मुसलमानों की सियासी बढ़ाई यानी पॉलिटिकल ग्लोरी ख़त्म हो गई थी। मुसलमान उस वक्त शिकायात या ग्रीवेंसेस की नफ्सियात में मुब्तिला हो गए थे। वो एक किस्म की विक्टिमाइज्ड कम्युनिटी बन चुके थे। दूसरी तरफ मिल्लत के बाहर जो दुनिया है उसमें नहायत बड़े बड़े मौके खुल गए हैं। अब एक सूरत यह है कि मुसलमानों की शिकायती नफ्सियात को लेकर
उनका अमली मंसूबा बनाया जाए, और दूसरी सूरत यह है कि दौरे हाजिर के नए मौके की बुनियाद पर मुसलमानों का मिल्ली मंसूबा बनाया जाए। पहली किस्म का मंसूबा सुन्नत रसूल के खिलाफ है, इसलिए वो कभी कामयाब होने वाला नहीं, और दूसरा मंसूबा सुन्नत रसूल के मुताबिक है, इसलिए उसकी कामयाबी यकीनी है। सबर की अहमियत। कुरान की एक आयत इन अल्फाज में आई है, वकअय्यिम मिन नबीय्यिन क़ातला मअहु रिब्बियून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा दाउफू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस्साबिरीन। यानी और कितने नबी हैं जिनके साथ होकर बहुत से खुदा परस्तों ने जंग की, अल्लाह की राह में जो मुसीबतें उन पर पड़ी उनसे वो पस्त हिम्मत ना हुए, ना उन्होंने कमज़ोरी दिखाई और ना वो दबे, और अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। कुरान की इस आयत में सबीलिल्लाह के हवाले से जो बात कही गई है, इसका ताल्लुक़ मखसूस तौर पर हालत क़िताल से नहीं है, बल्कि ये हुक्म आम है, यानी दीनी ज़िंदगी इख्तियार करने के बाद दुनिया में जो मसाइब व शदायद पैदा होते हैं, इस पर उन्होंने इस्तकामत का तरीक़ा इख्तियार किया। सब्र का लफ्ज़ी मतलब बर्दाश्त करना है। दानिशमंद इंसान के लिए ये बर्दाश्त बराए बर्दाश्त नहीं होती, बल्कि वो एक स्ट्रेटेजी होती है, यानी वक्ती सूरत हाल को नज़रअंदाज करते हुए मुस्तकबिल का नक्शा बनाना, वक्ती हालात से ऊपर उठकर गैर मुतासिर जहन के साथ दोबारा सोचना, और ये मालूम करना कि पेश आमदा हालात में ज़्यादा मौसर अमल क्या हो सकता है। सब्र का मतलब पसपाई नहीं है, बल्कि ज़्यादा बेहतर इकदाम है। इसका मतलब ये है कि जब एक तरीक़े अमल कारगर साबित नहीं हुआ, तो उसके बाद ये दरियाफ्त करना कि दूसरा ज़्यादा मौसर तरीक़े अमल क्या हो सकता है। सब्र की हकीकत ये है कि आदमी हालात का शिकार यानी विक्टम ना बने, वो हालात से गैर मुतासिर रहकर सोचे, वो रद्दे अमल यानी रिएक्शन से ऊपर उठकर मुस्बत जहन के साथ मंसूबा बंदी करे। इंसान की ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल बार बार पेश आती है, इनफरादी ज़िंदगी में भी और इज्तिमाई ज़िंदगी में भी। इस तरह की सूरत हाल में जो शख्स मस्कूरा मानों में सब्र का सबूत दे, वही इस दुनिया में कामयाब होता है। दौरे जदीद। नए ज़माने में जो चीज़ें वजूद में आई हैं, उनमें से एक जम्हूरियत यानी डेमोक्रेसी है। जम्हूरियत सिर्फ एक सियासी नज़रिया नहीं, जम्हूरियत का ताल्लुक इंसान की पूरी ज़िंदगी से है। जम्हूरियत ने पहली बार दुनिया में हर किस्म की इजारादारी यानी मोनोपोली को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। जम्हूरियत का दौर दूसरे अल्फाज में ख़त्म इजारादारी का दौर या एज ऑफ डी मोनोपोलाइजेशन है। जम्हूरी दौर में हर चीज़ हर एक के लिए, एवरीथिंग फॉर एवरीवन का निज़ाम राइज है। जम्हूरी दौर गोया मवाक़े के इन्फिजार या अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोजन का दौर है। जम्हूरियत को आम तौर पर एक सियासी नज़रिया समझा जाता है, अमलन ये राय दुरुस्त है, लेकिन हकीकत के एतबार से जम्हूरियत एक मुकम्मल कल्चर का नाम है। जम्हूरियत से पहले के दौर में दुनिया में बादशाहत का निज़ाम कायम था। बादशाह के निज़ाम के तहत हर चीज़ बादशाह की इजारादारी बनी हुई थी, मगर जब लंबी जद्दोजहद के बाद बादशाहत का दौर ख़त्म हुआ, तो ये सिर्फ एक सियासी वाक़या ना था, बल्कि वो एक वसीतर मानों में पूरी ज़िंदगी का मामला था। इसके बाद मुख्तलिफ हम असर अवामिल के बिना पर ऐसा हुआ
कि बादशाहत के निज़ाम का खात्मा इजारादारी के निज़ाम के खात्मे के हम मानी बन गया। जमहूरियत ने जिस तरह सियासी इजारादारी के कल्चर को ख़त्म किया, इसी तरह फितरी तौर पर ऐसा हुआ कि इजारादारी की दूसरी किस्में भी ख़त्म हो गई। अब 21वीं सदी में इजारादारी का दौर अमलन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। हुकूक़ इंसानी के मौजूदा तसव्वुर के मुताबिक आज हर चीज़ हर इंसान की है। इस उमूम में सिर्फ एक इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन है और वो तशद्दुद यानी वायलेंस है। अगर आप पुरअमन रहें तो आज की दुनिया में हर दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, हत्ता कि कोई भी दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं, इल्ला ये कि आदमी अपनी गलती की बिना पर किसी दरवाजे को खुद अपने ऊपर बंद कर ले। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म के बारे में मुनसिफाना राय कायम करने के लिए दो चीज़ों में फ़र्क करना ज़रूरी है। वो ये कि एक है सेक्युलर फिलॉसफी और दूसरी चीज़ है सेक्युलर पॉलिसी। दोनों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क है। जो लोग इस फ़र्क को ना समझें वो सेक्युलरिज्म के बारे में सही राय कायम नहीं कर सकते। सेक्युलर फिलॉसफी इब्तिदाअन उन लोगों के जहन की पैदावार थी जो मुल्हिदाना सोच का शिकार थे, मगर बात को फ़लसफ़े से अलग होकर सेक्युलरिज्म जमहूरी निज़ाम की अमली पॉलिसी बन गया। अमली पॉलिसी की हैसियत से उसका मतलब ये था कि मजहबी उमूर को लोगों की इनफरादी आज़ादी का मामला करार दे देना और मुश्तरक मादी मफादात को स्टेट के दायरे की चीज़ समझना। कदीम ज़माना मजहबी जबर का ज़माना था। मौजूदा ज़माने में मजहबी आज़ादी को लोगों का एक नाकाबिले तंसीक हक करार दे दिया गया है। सेक्युलर पॉलिसी दरअसल लोगों की इसी मजहबी आज़ादी का एक हिस्सा है। पहले ज़माने में ये तरीक़ा था कि एक मजहबी ग्रोह दूसरे मजहबी ग्रोह को आज़ादी देने के लिए तैयार ना होता था। वो उनको मजहबी ताज़ीब यानी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का शिकार बनाता था। जदीद जमहूरियत में इसके बरक्स सेक्युलर पॉलिसी को इख्तियार किया गया, यानी मुश्तरक मादी उमूर को रियासत के दायरे में रखना और मजहब और कल्चर के मामले में लोगों को कामिल आज़ादी अता करना। हर माशरे के लिए ज़रूरत होती है कि वहाँ अमन का माहौल हो। अमन के बग़ैर किसी भी किस्म की कोई तरक्की नहीं हो सकती। सेक्युलरिज्म एक अमली पॉलिसी की हैसियत से क़याम अमन की यही तदबीर है। इसी तदबीर ने मौजूदा ज़माने में तरक्की याफ्ता मुल्कों को कदीम तर्स की मजहबी लड़ाइयों से बचाया है। चुनाचे इंडिया से लेकर अमरीका और बरतानिया तक सेक्युलर स्टेट के उसूल को इख्तियार किया गया। इसका मतलब मजहबी मुखालफत नहीं बल्कि मजहबी अदम मुदाखलत है। चुनाचे इन मुल्कों में हर मजहबी ग्रोह को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इन मुल्कों में जो चीज़ ममनू है वो सिर्फ तशद्दुद है, ना कि अपने मजहब पर अमल। सेक्युलरिज्म के मामले में जो लोग मनफी जहन रखते हैं उसका सबब यह है कि वो दो चीज़ों में फ़र्क नहीं करते। वो सेक्युलर फिलॉसफी और सेक्युलर पॉलिसी दोनों को एक करके देखते हैं। हालांकि इस मामले में दुरुस्त राय कायम करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखा जाए। सेक्युलरिज्म के बारे में मनफी जहन रखने वाले लोग एक और गलत फहमी का शिकार हैं। वो सेक्युलर पॉलिसी को सिर्फ मुश्तरक मादी उमूर तक महदूद नहीं रखते, बल्कि वो उसको मजहबी मुखालफत के हम माना समझ लेते हैं। हालांकि मौजूदा ज़माने में सेक्युलर हुकूमत का मतलब मुखालिफ मजहब हुकूमत नहीं है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि हुकूमत मजहबी उमूर में अदम मुदाखलत यानी नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी की पाबंद है।
इस मामले में सारी गलत फहमी इसलिए पैदा हुई है कि इन लोगों ने अदम मुदाखलत को मुखालफत के हम मानी समझ लिया। इस मामले का एक पहलू और है, वो ये कि मजहबी आज़ादी के उसूल में बैक वक्त दो किस्म की आज़ादी शामिल है, मजहबी अमल और मजहबी तबलीग। मौजूदा ज़माने के तमाम सेकुलर मुल्कों में ये दोनों किस्म की आज़ादी लोगों को मुकम्मल तौर पर मिली हुई है। इसका मतलब ये है कि एक मजहबी ग्रोह इनफरादी तौर पर अपने मजहब पर अमल करते हुए दूसरे मजहबी ग्रोहों के दरमियान अपने मजहब की पुरअमन तबलीग पूरी तरह जारी रख सकते। ये आज़ादी इस हद तक हकीकी है कि इन मुल्कों में बहुत से लोग अपना मजहब बदल लेते हैं और उन पर हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी आयद नहीं की जाती है। मसलन अमेरिका में हर साल तकरीबन 1,00,000 अमरीकी इस्लामी मजहब को इख्तियार करते हैं। इस एतबार से देखिए तो सेकुलर पॉलिसी का मतलब ये है कि कोई मजहबी ग्रोह बर वक्त इनफरादी दायरे में अपने मजहब पर अमल करते हुए ये कोशिश कर सकता है कि वो दूसरों के फिक्र और अकीदे को बदल सके। दीन में तंगी नहीं। कुरान में उम्मते मुस्लिमा को खिताब करते हुए एक आयत आई है, इसका तर्जुमा ये है, और अल्लाह की राह में कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक है, उसने तुमको चुना है और उसने दीन के मामले में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन, उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा इससे पहले और इस कुरान में भी, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह बनो। बस नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को मजबूत पकड़ो, वही तुम्हारा मालिक है। बस कैसा अच्छा मालिक है और कैसा अच्छा मददगार। ये आयत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ मुआसिर अहले ईमान से मुतालिक नहीं है, बल्कि ये आयत पूरी उम्मत मुस्लिमा को खिताब कर रही है। इसका मतलब ये है कि उम्मत मुस्लिमा को एक नए दौर में दीनी काम करना है। ये दौर पिछले अदवार के बरक्स तंगी का दौर नहीं होगा, बल्कि वो आसानी का दौर होगा। इस वाक़े को कुरान की एक और आयत में दुआ के उसलूब में इस तरह बयान किया गया है, वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीना मिन कबलिना। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जैसा बोझ तूने डाला था हमसे अगलों पर। मज़कूरा आयत में बताया गया है कि उम्मते मुस्लिमा का जिहाद यानी मिशन क्या होगा। वो मिशन ये होगा कि पैगंबर के दावती काम को नस्ल दर नस्ल क़यामत तक जारी रखना। ये मिशन वही था जो तमाम नबियों का मिशन था, यानी इंतज़ार और तबशीर का मिशन। तारीख के पिछले अदवार में फितना यानी रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से पिछले अहले ईमान को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तारीख में एक नया दौर शुरू हुआ जो मुकम्मल तौर पर कदीम किस्म की मुश्किलात से पाक था। 21वीं सदी में ये दौर अपनी आखिरी तकमील तक पहुंच चुका है। अब पैगंबर के दावते मिशन को यसर यानी आसानी के हालात में अंजाम दिया जा सकता है, जबकि कदीम ज़माने में उसको उसर यानी मुश्किल के हालात में अंजाम देना पड़ता था। इज्तिहाद का मामला। इज्तिहाद का मतलब ये है कि हालात बदलने के बाद इब्तदाई हुक्म की नई तत्बीक यानी न्यू एप्लीकेशन तलाश की जाए। मसलन जदीद तर्स के सनती मौज़ों के वजूद में आने के बाद उस पर कदीम तर्स के जराब के हुक्म को मुंतबिक करना वगैरह। इज्तिहाद सही भी हो सकता है और गलत भी,
लेकिन इस अंदेशे के बिना पर कभी इज्तिहाद के अमल को रोका नहीं जाएगा। सिर्फ ये कहा जाएगा कि इज्तिहाद के लिए इखलास से नियत को ज़रूरी करार दिया जाए। हदीस में आया है कि अगर कोई मोमिन इज्तिहाद कर ले और उसका इज्तिहाद दुरुस्त हो तो उस पर उसको दोहरा सवाब मिलेगा, और अगर वो इखलास से नियत के बावजूद इज्तिहाद में गलती कर जाए तो उसको उसके इज्तिहाद पर एक सवाब मिलेगा। तारीख से मालूम होता है कि इज्तिहाद के मामले में हमेशा गलती का इम्कान रहता है, हत्ता के बड़े बड़े अहले ईमान ने भी गलतियां की हैं। आदमी को चाहिए कि जब उस पर इज्तिहाद की गलती वाज़ह हो जाए तो वो खुले तौर पर अपनी गलती का एतराफ़ करे और वो अपनी राय को दुरुस्त कर ले। इज्तिहाद एक तामीरी अमल है। इज्तिहाद से लोगों के अंदर तख्लीकी सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग पैदा होती है। इसके बरक्स जब इज्तिहाद का अमल रुक जाए तो यकीनी तौर पर लोगों के अंदर जहनी जमूद या इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन पैदा हो जाएगा, और जहनी जमूद बिलाशुबा इस्लाम में एक गैर मतलूब चीज़ है। जब कोई आदमी अखलास नियत के साथ इज्तिहाद करे तो फितरी तौर पर ऐसा होगा कि वो मामले पर गहराई के साथ गौर करेगा, वो संजीदगी के साथ उसका जायज़ा लेगा, वो उस मौजू पर किताबों का मुतालिया करेगा, वो अहले इल्म से इस मौजू पर तबादला ख्याल करेगा। ये तमाम चीज़ें अखलास नियत में शामिल हैं। इन चीज़ों का होना अखलास नियत का सबूत है, और इन चीज़ों का ना होना इस बात का सबूत है कि आदमी के अंदर अखलास नियत यानी फिक्री संजीदगी मौजूद नहीं। मिल्लत की इस्लाह। कुरान के मुताबिक बाद के ज़माने में जब मिल्लत यहूद का जवाल आया तो अल्लाह ने उनके ऊपर ताकतवर बंदे भेज दिए। ये वाक़या दो बार हुआ। एक बार 586 कबल मसीह में बख्त नसर ताजदार बाबुल नैनवा के हाथों, और दूसरी बार 70 ईस्वी में रूमी शहनशाह टाइटस के ज़माने में। ये गोया यहूद के लिए डायस्पोरा में जाने का ज़माना था। ये यहूद के लिए अजाब या गज़ब इलाही का मामला ना था, ये दरअसल तंबीह यानी वार्निंग का मामला था। ये इसलिए था ताकि यहूद नसीहत पकड़ें और अपनी इस्लाह करें। यहूद की ज़िंदगी में ये तंबीही दौर लंबी मुद्दत तक जारी रहा। इसके नतीजे में यहूद के अंदर मजहबी इस्लाह तो नहीं आई, क्योंकि जवाल के दौर में उन्होंने जिस कौमी कल्चर को मजहब के नाम से इख्तियार कर रखा था उसी को वो मूसवी मजहब समझते थे। अलबत्ता सेक्युलर मानी के एतबार से उनके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई, और उन्होंने अमेरिका और यूरोप के मुल्कों में साइंसी तालीम हासिल की और ये जाना कि दौरे जदीद क्या है। यहाँ तक कि सेक्युलर मानों में वो जदीद मयार के मुताबिक एक तरक्की याफ्ता कौम बन गए। यहूद की तारीख का ये मुस्बत पहलू मौजूदा इसराइल में वाज़ह तौर पर नज़र आता है। मौजूदा ज़माने के मुसलमान भी इसी तनज़ुल के दौर से गुज़र रहे हैं, और दोबारा उन पर इसी तरह अल्लाह की तरफ से तंबीहात आ रही हैं जिस तरह यहूद के ऊपर आई थी। मौजूदा ज़माने में जिन चीज़ों को अग्यार का जुल्म कहा जाता है वो अपनी हकीकत के एतबार से अग्यार का जुल्म नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से आने वाली तंबीहात हैं ताकि मुसलमान बेदार हों और दोबारा असल दीन इस्लाम की तरफ लौटें। लेकिन अमलन दूसरी बार भी यही हो रहा है कि मुसलमानों के अंदर सही मानों में दीनी बेदारी नहीं आ रही है, क्योंकि इस वक्त उनके अंदर दीन इस्लाम के नाम पर जो कौमी कल्चर राइज है मुसलमानों ने उसी को असल दीन मोहम्मदी समझ लिया है। इस बिना पर वो उसके ऊपर शिद्दत के साथ कायम है। मगर यहाँ
मुसलमानों के साथ भी वही मामला पेश आ रहा है जो इससे पहले यहूद के साथ पेश आया, यानी इन तंबीहात के बाद सेक्युलर बेदारी। चुनाचे मौजूदा ज़माने के मुसलमानों में ये मंज़र दिखाई दे रहा है कि वो सेक्युलर तालीम की तरफ रागिब हो रहे हैं, वो जदीद दौर में तरक्की याफ्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम ये सिर्फ सेक्युलर मानी में है, यानी प्रोफेशनल तालीम, सेक्युलर मैदान में तरक्की और दौरे जदीद में अपनी जगह बनाने की कोशिश। ये बात हर जगह के मुसलमानों में नज़र आ रही है, अगरचे ये सेक्युलर अहिया यहूद के मुकाबले में बहुत कम है। यहूद मौजूदा ज़माने में सेक्युलर पहलू से पूरे मानों में एक तरक्की याफ्ता कौम यानी डेवलप्ड नेशन बन चुके हैं, जबकि मुसलमानों ने अभी तक इस राह में सिर्फ अपने सफ़र का आगाज़ किया है। दीनी शऊर के एतबार से अभी तक उनके अंदर कोई काबिल ज़िक्र अहिया का वाक़या पेश नहीं आया। ताहम सेक्युलर एतबार से ज़मानी दबाव के नतीजे में उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया है, अगरचे रफ्तार बहुत सुस्त है। इस मामले में असल गलती आम मुसलमानों की नहीं है, बल्कि उनके नाम निहाद रहनुमाओं की है। उनके रहनुमा मुसलसल तौर पर एक उल्टा काम कर रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर जो तंबीहात आ रही हैं वो अल्लाह की तरफ से बराए इस्लाह हैं, लेकिन मुस्लिम रहनुमा अपनी बेशऊरी की बिना पर इन खुदाई तंबीहात को दूसरी कौमों के जुल्म के खाने में डाले हुए हैं। वो अपनी तकरीरों और तहरीरों के ज़रिए मुसलमानों को ये बावर करा रहे हैं कि मौजूदा ज़माने की गैर मुस्लिम कौमें तुम्हारी दुश्मन हो गई हैं, वो तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रही हैं, वो तुमको तरक्की के रास्ते से रोके हुए हैं वगैरह। इस माकूस रहनुमाई के अंदर दोहरा नुकसान पाया है, एक तरफ ये कि ये रहनुमाई मुसलमानों के अंदर इस्लाह का ताकतवर मुहर्रिक पैदा होने में मुस्तकिल रुकावट है, और दूसरी तरफ ये कि वो अल्लाह के मंसूबे यानी स्कीम ऑफ थिंग्स में खलल के हम्मानी है। इस तरह ये रहनुमा अल्लाह के तख्लीकी मंसूबे में मुदाखलत यानी इंटरवेंशन के मुजरिम बन रहे हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है कि जब कोई उम्मत तनज़ुल का शिकार हो तो अल्लाह की तरफ से उसके लिए शॉक ट्रीटमेंट के तौर पर तंबीहात आएं। ये तंबीहात इस्लाह के लिए होती हैं, लेकिन जब इन तंबीहात को जुल्म या साजिश का नाम दिया जाए तो उनकी तासीर अमलन ख़त्म हो जाएगी। दौरे ज़वाल का एक ज़ाहिरा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के ज़वाल के बारे में पेशिंगोई के तौर पर कहा था कि तुम लोग ज़रूर पिछली उम्मतों की पैरवी करोगे कदम ब कदम, यहाँ तक कि अगर वो लोग किसी गोह के बिल में घुसे हैं तो तुम भी इसमें घुस जाओगे। सही बुखारी। गोह यानी मॉनिटर लिज़र्ड के बिल में घुसना एक बेअक्ली का काम है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अगर अपने दौरे ज़वाल में कोई बेअक्ली का काम किया हो तो तुम उसको भी दोहराओगे। दौरे ज़वाल में ये होता है कि लोगों के अंदर अक्ली गौर व फ़िक्र का ख़ात्मा हो जाता है, इस बिना पर वो अपने ज़वाल याफ्ता मिजाज के तहत ऐसे काम करने लगते हैं जिसका अक्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसकी एक मिसाल ये है कि यहूद अपने दौरे ज़वाल में एक फ़ेल करते थे जिसको फ़र्ज़ी कसूरवार ठहराना कहा जाता है, यानी अपनी ग़लती को फ़र्ज़ी तौर पर किसी दूसरे के ऊपर डालना। यहूद के हवाले से इस मामले की एक मिसाल बाइबल अहदनामा कदीम में इस तरह आई है। द अदर गोट, द स्केप गोट चोजन बाय लॉट टू बी सेंट अवे विल बी केप्ट अलाइव स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड व्हेन इट इज सेंट अवे टू एज़ाज़िल इन द विल्डरनेस द पीपल विल बी प्योरिफाइड
एंड मेड राइट विद द लॉर्ड। फर्जी तौर पर किसी दूसरे को कसूरवार यानी स्केप गोट ठहराना मौजूदा ज़माने के मुसलमानों में बहुत ज़्यादा आम है। मौजूदा ज़माने के मुसलमान अपनी तमाम कमियों और गलतियों के लिए किसी न किसी मुस्लिम दुश्मन को दरियाफ्त किए हुए हैं। इसके लिए उन्होंने खुद साख्ता तौर पर एक इस्तेलाह वज़ा कर रखी है, जिसको वो दुश्मनाने इस्लाम की साजिश कहते हैं। इसी रविश का दूसरा खुद साख्ता नाम इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया दरअसल स्केपगोट फोबिया का दूसरा नाम है। ये ज़ाहरा हदीस रसूल की पेशिंगोई के ऐन मुताबिक है। इमेज बिल्डिंग। आजकल हर पढ़ा लिखा मुसलमान एक बात बोलता है, इस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा काम इमेज बिल्डिंग है, यानी बिगड़ी हुई तस्वीर को दुरुस्त करना। ये काम बजाते खुद एक अहम काम है, लेकिन इस्लाम की तस्वीर बिगाड़ने वाला कौन है? इस सवाल का जवाब हर एक ये देगा कि मुस्लिम दुश्मन ताकतें इस्लाम की तस्वीर को बिगाड़ने में लगी हुई हैं। ये इस्लाम के मुखालिफीन की साजिश यानी कॉन्स्पिरेसी का नतीजा है। हर लिखने और बोलने वाला मुसलमान इस मौजू पर जब लिखता या बोलता है तो वो हमेशा इसी किस्म की बात करता है, मगर सवाल ये है कि कहने और लिखने वाले लंबी मुद्दत से ये बात बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेनतीजा साबित हो रही हैं। इस किस्म की बातों से इस्लाम की तस्वीर को दुरुस्त करने में 1% भी कामयाबी नहीं हुई। इस नाकामी का सबब खुद मुसलमानों का लिखने और बोलने वाला तबका है। ये लोग मफरूज़ा इस्लाम दुश्मनों की मफरूज़ा दुश्मनाना बातों का इनकशाफ करने में लगे हुए हैं, जबकि असल मसला कुछ और है। असल मसला ये है कि खुद मुसलमान इस्लाम के नाम पर गलत काम करते हैं। मसलन अपनी कौमी लड़ाई को इस्लामी जिहाद का नाम देना वगैरह। इसी का नतीजा ये है कि इस्लाम की तस्वीर लोगों की नज़र में बिगड़ गई। इसलिए इस मामले में इस्लाही कोशिश का असल निशाना मुसलमानों को बनाना चाहिए, ना कि मफरूज़ा इस्लाम दुश्मन ताकतों को। इमेज बिल्डिंग का काम अगर दूसरों के खिलाफ प्रोटेस्ट से शुरू किया जाए तो वो यकीनन बेनतीजा रहेगा। सही ये है कि इमेज बिल्डिंग के काम को खुद मुसलमानों से शुरू किया जाए। मसलन लोगों को बताया जाए कि इस्लाम और मुसलमान दोनों का मामला एक दूसरे से अलग है। मुसलमानों से ये कहा जाए कि तुम जिहाद के नाम पर कौमी लड़ाई को बंद करो, तुम रसूल अल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी के नाम पर कत्ल का फतवा देना और एहतजाज करना बंद करो वगैरह। सही तरीका मसले को हल करता है और गलत तरीका मसले में इजाफा करने का सबब बन जाता है। बुढ़ापा आने से पहले। फितरत के कानून के मुताबिक इंसान अपनी उम्र के तकरीबन 40 साल तक बुढ़ापे से पहले के दौर में होता है। 40 साल के बाद उसके ऊपर अमलन बुढ़ापे का दौर शुरू हो जाता है, जो कानून फितरत यानी लॉ ऑफ नेचर के तहत किसी भी वक्त उसको इस दुनिया से जुदा कर देने वाला है। किसी शायर ने कहा है, सफीना बना रखें तूफान से पहले। ये उसूल ज़्यादा बेहतर तौर पर इंसान की उम्र के मामले में चस्पा यानी अप्लाई होता है। यानी हर इंसान को चाहिए कि बुढ़ापे से पहले के दौरे हयात में वो अपने आप को आखिरत के लिए तैयार कर ले, क्योंकि बुढ़ापे के बाद के दौरे हयात में किसी के लिए ये मौका बाकी नहीं रहता कि वो आखिरत के लिए मतलूब किस्म की तैयारी कर सके। ताहम 40 साल के बाद किसी इंसान के लिए उम्र का जो दौर आता है वो उसकी ज़िंदगी का
बेहतरीन हिस्सा होता है। इस दौर में वो ज़्यादा संजीदा हो जाता है, उसके अंदर पुख्तगी यानी मैच्योरिटी आ जाती है, उसका ज़हनी इर्तिका यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अपनी तकमील के दौर में पहुंच जाता है, उसको ऐसे तजर्बात या एक्सपीरियंसेस हासिल होते हैं जो उसकी सही तर्ज़ फ़िक्र के लिए रहनुमा बन सकें। 40 साल के बाद किसी इंसान की ज़िंदगी में जो दौर आता है वो उसके लिए आखिरत की तैयारी का बेहतरीन दौर होता है। अब अमलन वो फितरी इंसान यानी मैन कट टू साइज बन चुका होता है। अब उसके पास ज़्यादा तैयार जहन यानी प्रिपेयर्ड माइंड होता है, जिसकी रोशनी में वो ज़्यादा दुरुस्त तौर पर अपने मुस्तकबिल का नक्शा बना सके। 40 साल के बाद की उम्र में ज़्यादा मुमकिन हो जाता है कि आदमी बेखता अंदाज में अपने आप को आखिरत के लिए तैयार कर सके। दानिशमंद वो है जो अपने इस हिस्से उम्र को इस्तेमाल करे, और गैर दानिशमंद वो है जो अपने इस हिस्से उम्र को इस्तेमाल किए बगैर खो दे। शादी का सही तरीका। हर मसले का यकीनी हल है, बशर्ते के मसले को सही उसूल के मुताबिक हल करने की कोशिश की जाए। किसी मसले को हल करने की तरफ पहला कदम ये है कि ये दरियाफ्त किया जाए कि जो हुआ उसका असल जिम्मेदार कौन था। अक्सर हालात में मसले के हल का आगाज ये होता है कि आदमी ये दरियाफ्त करे कि असल गलती खुद उसकी है, किसी दूसरे की नहीं। मसलन लव मैरिज में निकाह के वक्त शादी का मामला बज़ाहिर मोहब्बत का मामला मालूम होता है, लेकिन निकाह के बाद शादी का मामला अमलन जिम्मेदारी का मामला बन जाता है। ये फितरत का उसूल है और फितरत के उसूल में कोई तब्दीली नहीं। अमली एतबार से देखा जाए तो निकाह का वही तरीका दुरुस्त है जिसको अरेंज्ड मैरिज कहा जाता है। लव मैरिज अपनी हकीकत के एतबार से एक जज्बाती मैरिज है, जिसको गलत तौर पर लव मैरिज का नाम दे दिया गया है। लव मैरिज की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इसमें तरफैन के ख़ानदान की जिम्मेदारी अमलन ख़त्म हो जाती है। अब जिम्मेदारी का सारा मामला सिर्फ दो नातजर्बेकार नौजवानों का मामला बन जाता है। यही वजह है कि लव मैरिज बात को अक्सर नाकाम साबित होती है। अगर किसी की लव मैरिज प्रॉब्लम मैरिज बन जाए तो उसके बाद उसको ये करना चाहिए कि अपने मसले का ज़िम्मेदार वो खुद अपने आप को करार दे, ना कि किसी दूसरे को। ऐसा करने के बाद उसका जहन सही रुख पर काम करने लगेगा, उसका रवैया हकीकत पसंदाना रवैया बन जाएगा, उसके अंदर मनफी सोच बाकी नहीं रहेगी, उसका ताल्लुक बराह रास्त तौर पर अल्लाह से कायम हो जाएगा। अगर वो ऐसा करे तो उम्मीद है कि धीरे धीरे उसके मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। ज़िंदगी कभी जज्बात की बुनियाद पर नहीं चलती, ज़िंदगी हमेशा हकायक की बुनियाद पर चलती है। इंसान को चाहिए कि वो आइडियलिस्ट ना बने, बल्कि वो प्रैक्टिकल विजडम को जाने और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। जो लोग इस हकीकत को ना जाने वो हमेशा शिकायत यानी कंप्लेंट में जिएंगे, वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बनाने में नाकाम रहेंगे। ये उसूल एक फ़र्द के लिए भी दुरुस्त है और पूरी कौम के लिए भी दुरुस्त। एक औरत और एक मर्द के दरमियान फितरत का एक उसूल है। निकाह के ज़रिए ज़ौजैन के दरमियान एक खसूसी ताल्लुक़ कायम होता है, दोनों एक दूसरे के लिए करीबी तौर पर शरीक हयात बन जाते हैं। इस तरह दोनों को ये मौका मिलता है कि वो एक दूसरे के लिए फिक्री साथी यानी इंटेलेक्चुअल पार्टनर बनकर ज़िंदगी का वो रोल अदा करें जो खालिक के नक्शे के मुताबिक उनसे मतलूब है। निकाह का ताल्लुक दो इंसानों को
ये मौका देता है कि वो समाज का एक मुकद्दस यूनिट बने। वो ख़ानदान की सतह पर पूरे समाज के लिए एक मॉडल बन जाए। वो समाज की तश्कील में एक ऐसा तामीरी हिस्सा अदा करे जो सिर्फ एक ख़ानदान के लिए मुमकिन होता है। अगर लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हो जाए तो हर समाज एक दुरुस्त समाज बन जाएगा। यही समाजी ज़िंदगी की सालेह तामीर का वाहिद तरीक़ा है। इज़्ज़त नफ्स। अक्सर लोग खुददारी और इज़्ज़त नफ्स यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की इस्तिलाह में सोचते हैं। इस सोच के तहत वो कई बार ऐसी रविश इख्तियार करते हैं जो अमलन तकब्बुर यानी एरोगेंस के हम मानी होती है, मगर वो समझते हैं कि हमको अपनी इज़्ज़त नफ्स की खातिर ऐसा करना ज़रूरी है। ऐसा ना करने का मतलब उनके नज़दीक ये होता है कि आदमी खुद अपनी निगाहों में अपने आप को जलील कर ले। मगर ये सोच एक गैर हकीकी सोच है। वो चीज़ जिसको इज़्ज़त नफ्स कहा जाता है वो खुद हासिल करदा यानी सेल्फ अटेन चीज़ नहीं है, बल्कि वो दूसरों की अता करदा यानी एक्सटर्नली गिवन चीज़ होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस वक्त मिलती है जबकि दूसरे लोग आपको देने के लिए तैयार हों। ऐसी हालत में कोई शख्स अगर अपनी किसी रविश के ज़रिए इज़्ज़त नफ्स हासिल करने की कोशिश करता है तो वो एक गैर हकीकी रविश इख्तियार करता है, क्योंकि जो चीज़ दूसरों से मिलने वाली है वो आप खुद से अपने लिए हासिल नहीं कर सकते। ऐसा आदमी एक अमल करता है जो उसके अपने ख्याल के मुताबिक इज़्ज़त नफ्स के लिए होता है, मगर वो अमल दूसरों की नज़र में तकब्बुर यानी एरोगेंस बन जाता है। आदमी बतौर खुद एक ऐसी चीज़ पाने की कोशिश करता है जो किसी को सिर्फ दूसरों से मिलती है। हकीकत यह है कि फितरत के कानून के मुताबिक इज़्ज़त यानी रिस्पेक्ट किसी को सिर्फ तवाज़ो यानी मॉडेस्टी के ज़रिए मिलती है, किसी और तदबीर के ज़रिए नहीं। यही वो हकीकत है जो हदीस में इन अल्फाज में बयान की गई है, मन तवाज़ा अलिल्लाह रफ़ाहुल्लाह हुलियतुल औलिया, यानी जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है उसको अल्लाह बुलंदी अता करता है। ये फितरत का कानून यानी लॉ ऑफ नेचर है, और फितरत का कानून कभी किसी के लिए नहीं बदलता। इस दुनिया में कोई चीज़ सिर्फ फितरत के कानून की पैरवी से हासिल होती है, ना कि खुद साख्ता तौर पर। बेशिकायत जीना। शिकायत एक नहायत मोहलिक आदत है, लेकिन अगर आप बाउसूल ज़िंदगी इख्तियार करें तो आपको किसी से शिकायत ना होगी। बेशिकायत बनने का राज क्या है? इसका आसान राज ये है कि आप एक आर्ट को सीख लें। इस आर्ट को एक लफ्ज़ में शिकायत की मुस्बत तौजीह यानी पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कंप्लेंट कहा जा सकता है। असल ये है कि शिकायत कभी यक तरफा नहीं होती, बल्कि वो हमेशा दो तरफा होती है, यानी कुछ आपने किया फिर कुछ दूसरे ने किया, इसके बाद वो वाकया दोनों के लिए शिकायत का सबब बन गया। अगर आप ये करें कि दूसरे की कोताही पर गुस्सा होने से पहले अपनी कोताही को दरियाफ्त करें जो फरीक़े सानी के मनफी रवैये का सबब बनी, तो आप फौरन बेशिकायत यानी कंप्लेंट फ्री बन जाएंगे, और बेशिकायत ज़िंदगी यकीनन तमाम इंसानी खूबियों का वाहिद राज है। ये आम मिजाज है कि इंसान अपनी कोताही को नज़रअंदाज करता है और दूसरे की कोताही को ज़्यादा करके देखता है। ये दोहरी सोच यानी डबल थिंकिंग है। यही दोहरा मिजाज तमाम शिकायतों का असल सबब है। अगर इंसान ये करे कि वो दूसरे को जिस नज़र से देखता है उसी नज़र से वो अपने आप को भी देखने लगे तो अचानक शिकायत का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद हर समाज
मुस्बत समाज बन जाएगा। दुनिया के बाग में कांटे भी होते हैं और फूल भी, लेकिन बाग का कल्चर ये है कि कांटों के बावजूद फूल बनकर रहो। यही हाल इंसानी समाज का भी हो जाएगा। इंसान भी इसी कल्चर को इख्तियार करेंगे कि वो बज़ाहिर कांटों के बावजूद वो एक दूसरे के साथ फूल की मानिंद बनकर रहें। जब ऐसा होगा तो इसके बेशुमार मजीद फ़ायदे हासिल होंगे। समाज के अंदर नफ़रत और तशद्दुद का खात्मा हो जाएगा। हर जगह तशद्दुद के बजाय अम्न दिखाई देगा। हर समाज ऐसा समाज बन जाएगा गोया कि वो मर्दों और औरतों का एक जिंदा बाग है। इंतहा पसंदी यानी एक्सट्रीमिज्म एक फितरी सिफ्त है। ये सिफ्त किसी शख्स के अंदर कम होती है और किसी शख्स के अंदर ज़्यादा। ताहम इंतहा पसंदाना मिजाज का एक तामीरी पहलू है और दूसरा इसका तखरीबी पहलू। इसका तामीरी पहलू ये है कि आदमी उसूल के मामले में सख्त हसास हो, वो दूसरों के हकूक़ के मामले में कमी को गवारा ना करे, वो हक से इन्हराफ को देखे तो तड़प उठे, वो अपनी गलती को शदीद तौर पर महसूस करता हो, वो अपनी कोताही के मामले में इससे ज़्यादा शदीद हो जितना कि कोई शख्स दूसरों की कोताही के मामले में शदीद होता है। ये इंतहा पसंदी सेहतमंद इंतहा पसंदी है। इंतहा पसंदी का दूसरा पहलू ये है कि वो मनफी रुख इख्तियार करें। वो अपने इस जज्बे की बिना पर दूसरों से नफरत करें। वो दूसरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। वो इस्लाह के नाम पर जंग और कत्ल शुरू कर दे। ये इंतहा पसंदी की काबिल एतराज़ सूरत है। जब इंतहा पसंदी इस किस्म की मनफी सूरत इख्तियार कर ले तो अमलन वो एक बुराई यानी ईवल बन जाती है, ना कि कोई खैर या गुड। हसासियत यानी सेंसिटिविटी इंसान की ख़ास सिफ्त है। इस सिफ्त का तामीरी इस्तेमाल दुनिया में भलाई लाता है। इसके बरक्स जब इस सिफ्त का गलत इस्तेमाल होने लगे तो दुनिया बुराई से भर जाती है। इंतहा पसंदी का मिजाज हमेशा मुहासबे का मिजाज पैदा करता है, मगर ये मुहासबा अपने खिलाफ होना चाहिए। इसके बरक्स अपनी कोताहियों से गाफिल रहना और दूसरों की कोताही पर उनसे लड़ाई शुरू कर देना सख्त गुनाह की बात है। पहला किरदार अगर सवाब का मूजिब है तो दूसरा किरदार आदमी को इस काबिल बना देता है कि आखिरत में उसका सख्त मुआखजा किया जाए। खालिक ने कोई चीज़ बेसबब पैदा नहीं की। इंतहा पसंदाना फितरत का भी एक मकसद है, वो ये कि आदमी उसूल पसंदी के मामले में सख्त मोहतात हो। लेकिन इस फितरी जज्बे का गलत इस्तेमाल किया जाने लगे तो वो खुदा के नज़दीक एक गुनाह बन जाएगा। सही तर्ज फिक्र। इब्नुल आराबी वफात 231 हिजरी को अरबी ज़बान का इमाम कहा जाता है। उनका ताल्लुक़ इराक़ से था। उन्होंने एक कदीम अरबी कौल को इन अल्फाज में नकल किया है, खुद मा सफ़ा व दा मा कदर, लिसानुल अरब तहता लफ्ज़ुल कदर, यानी जो साफ हो उसको ले लो और जो साफ ना हो उसको छोड़ दो। ये सादा अल्फाज में हिकमत यानी विजडम की तारीफ है। इंसान एक आज़ाद मखलूक है। इस बिना पर इंसानी दुनिया हमेशा अफकार का जंगल रही है। अफकार के इस जंगल में इंसान को सोचना पड़ता है और ये जानना पड़ता है कि उसकी निस्बत से कौन सी बात काबिले अखज़ है और कौन सी बात काबिले तर्क। इस बात को इल्मी अंदाज में इस तरह कहा जा सकता है कि हिकमत उस सलाहियत का नाम है कि आदमी अफकार के ढेर में मुतालिक को दरियाफ्त करे और गैर मुतालिक को छांट कर अलग कर दे।
द एबिलिटी टू डिस्कवर द रेलिवेंट आफ्टर सॉर्टिंग आउट द इररेलीवेंट। मसलन मगरबी तहजीब को लीजिए, जदीद मगरबी तहजीब में कुछ चीज़ें वो हैं जो फितरत के अबदी कानून पर मबनी हैं। मसलन कशिश अर्ज का उसूल फितरत का एक अबदी कानून है। इसके मुकाबले में मगरबी कल्चर माहौल के असर से बना है। साहिब फिक्र आदमी का काम है कि वो उनमें से तनकीह करे, यानी खालिस को रद्दी से जुदा करके बयान करे। ऐसा करने का नतीजा ये होगा कि आदमी के कलाम में वजूह यानी क्लैरिटी आएगा। उसको सुनने या पढ़ने वाले आदमी का जहन एड्रेस होगा, वो फैसला कर सकेगा कि वो दुरुस्त तौर पर किस तरह सोचे और दुरुस्त तौर पर किस तरह अपने अमल की मंसूबा बंदी करे। इस एतबार से कलाम की दो किस्में हैं, मुनक्कह कलाम और गैर मुनक्कह कलाम। मुनक्कह अंदाज में कलाम करना एक बेहद मुश्किल काम है। ये काम वही शख्स कर सकता है जो हकीमाना तर्ज फिक्र का हामिल हो, वसी मुताले की बिना पर जिसकी पहुंच उलूम के सिरे तक हो गई हो। क्राइसिस मैनेजमेंट। अबू तमाम अत्ताई अरबी जबान का एक मशहूर अदीब और शायर है। उसकी पैदाइश शाम की एक बस्ती जासिम में हुई। एक बार वो खरासान जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में हमदान का इलाका पड़ता था। वहाँ पर अबुल वफा इब्ने सलमा नामी एक अमीर ने उनको अपना मेहमान बनाया। अभी वो हमदान में ही थे कि शदीद बर्फ़बारी शुरू हो गई और रास्ता बंद हो गया। इस मौके पर अबू तमाम को अबुल वफा इब्ने सलमा का कुतुब खाना देखने का मौका मिला। ये कुतुब खाना काफ़ी बड़ा था। इस कुतुब खाने में जाहिली और इस्लामी अदवार के अरब शोरा का कलाम मौजूद था। अबू तमाम ने अरब शोरा के इन मजमुओं का मुतालिया शुरू किया और उनसे मुंतखब करके 5 किताबें तैयार की। उनमें से एक दीवानुल हमासा है। अबू तमाम का ये इंतखाब इब्तदाई कलाम अरब का एक अहम माखज समझा जाता है। हमासा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ अर्ली अरबिक पोइट्री। आदमी की ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि वो किसी इत्तेफाकी बहरान का शिकार हो जाता है, उसकी ज़िंदगी का रूटीन मुअत्तल हो जाता है। ये एक बज़ाहिर नामुवाफिक सूरत हाल होती है, लेकिन अगर आदमी का जहन बेदार हो, वो क्राइसिस मैनेजमेंट का फ़न जानता हो, तो वो अपने वक्त का एक नया इस्तेमाल दरियाफ्त कर सकता है। ऐन मुमकिन है कि ये नया इस्तेमाल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा बन जाए। एक फ़ारसी ज़र्बुल मिसल इस तरह है, मुश्किली नीस्त के आसान नश्वर, मर्द बाईद के हर आसान नश्वर। यानी हर मुश्किल आसान हो सकती है, बशर्ते के आदमी घबराहट में मुब्तिला ना हो। ये कामयाब ज़िंदगी का एक आला उसूल है। आदमी के हालात हमेशा मोतदिल और नॉर्मल नहीं होते। ज़िंदगी में अक्सर क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हो जाती है। आदमी को चाहिए कि ऐसी सूरत हाल पेश आने पर अपने अमल का नया मंसूबा बनाए। इस तरह वो अपने नामुवाफिक हालात को मुवाफिक हालात में तब्दील कर लेगा। दुरुस्त फैसला। एक साहब ने सवाल किया कि ज़िंदगी में दुरुस्त फैसला यानी राइट डिसीजन कैसे लिया जाए। मैंने कहा कि दुरुस्त फैसला मुतलक मानो यानी एब्सोल्यूट सेंस में लेना अक्सर मुमकिन नहीं होता। इसका सबब यह है कि दुरुस्त फैसला लेने के लिए ज़रूरी है कि आदमी मुस्तकबिल को जाने। चूँकि इंसान मुस्तकबिल को नहीं जानता, इसलिए मियारी मानों में दुरुस्त फैसला लेना भी इंसान के लिए ऐसे हालात में
अमलन मुमकिन नहीं होता। दुरुस्त फैसला ना ले सकना कोई ऐब की बात नहीं, बल्कि ये एक रहमत की बात है। ज़रूरत सिर्फ ये है कि आदमी मुस्बत ज़हन यानी पॉजिटिव माइंड के साथ जीने वाला हो। अगर आप दुरुस्त फैसला ना ले सकने की बिना पर किसी नाकामी से दो चार हो जाएं, तो हरगिज़ गमगीन ना हो, बल्कि सिर्फ ये सोचिए कि मेरे फैसले में गलती कहाँ थी। इस तरह आप इस काबिल हो जाएंगे कि मामले के मख्फी गोशों को समझ सकें और अपने मामले की ज़्यादा बेहतर मंसूबा बंदी करें। ये मिजाज किसी इंसान के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि फैसले में गलती से अगर कोई बात बज़ाहिर बिगड़ जाए, तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने पहला मौका यानी फर्स्ट चांस को खो दिया है। लेकिन जब आप मुस्बत सोच पर कायम हो, तो आपका जहन फौरन ये दरियाफ्त कर लेगा कि यहाँ आपके लिए दूसरा चांस यानी सेकंड चांस मौजूद है। इस तरह आप इस काबिल हो जाएंगे कि दूसरे मौके को इस्तेमाल करके बहुत जल्द अपने आप को कामयाब बना सकें, बल्कि शायद पहले से ज़्यादा कामयाब। ज़िंदगी में मवाक़े कभी महदूद नहीं होते, मवाक़े की तादाद हमेशा बेशुमार होती है। आप अगर एक मौका खो दें, तो पेशगी तौर पर ये यकीन रखिए कि यहाँ आपके लिए मज़ीद मवाक़े मौजूद हैं, और उनको इस्तेमाल करके असरे नौ अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। इसी का नाम ज़िंदगी की हिकमत यानी विजडम है, और हिकमत ही का दूसरा नाम कामयाबी। बेहतर का इंतखाब। सहाबी रसूल अमर इब्न अल-आस के हवाले से एक कौल किताबों में नकल किया गया है, लैस अल-आक़िल अल्लज़ी यारिफ़ अल-ख़ैर मिन अश-शर वलाकिन अल-आक़िल अल्लज़ी यारिफ़ ख़ैर अश-शर्रैन अल-मजालिसतु व जवाहिरुल इल्म। यानी दानिशमंद वो नहीं है जो खैर और शर को जाने, बल्कि दानिशमंद वो है जो ये जाने कि दो शर के दरमियान खैर क्या है। मौजूदा दुनिया में इंसान को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, इसलिए मौजूदा दुनिया का सबसे बड़ा मसला आज़ादी का गलत इस्तेमाल यानी मिस यूज़ ऑफ फ्रीडम है। दुनिया में प्रॉब्लम ऑफ ईवल का असल सबब यही है। इस सूरत हाल की बिना पर मौजूदा दुनिया में किसी के लिए भी ये मुमकिन नहीं होता कि वो अपने मामले में कामिल खैर का इंतखाब करे। इस दुनिया के लिए प्रैक्टिकल विजडम ये है कि आदमी ये सोचे कि उसके इकदाम का नतीजा क्या निकलेगा। इस सूरत हाल की बिना पर ऐसा है कि मौजूदा दुनिया में आदमी के लिए हमेशा कमतर बुराई या लेसर इवल के इंतखाब का मौका होता है। हमेशा इंसान के सामने ये सूरत हाल होती है कि वो दो में से एक का इंतखाब करे। ऐसी हालत में आदमी के लिए दानिशमंदी ये है कि वो बड़ी बुराई से बचे और छोटी बुराई का इंतखाब करे। इस उसूल का ताल्लुक ख़ानदानी ज़िंदगी से भी है, समाज से भी है, और नेशनल लाइफ से भी। अक्सर हालात में ऐसा होता है कि आदमी अपनी गैर दानिशमंदी की बिना पर ऐसा इंतखाब यानी चॉइस ले लेता है जो अपने नतीजे के एतबार से बड़ी बुराई या ग्रेटर ईवल का सबब बन जाता है। आदमी को चाहिए कि वो या तो इस किस्म के इंतखाब की गलती ना करे, या अगर इससे ऐसी गलती हो गई है तो दूसरों को बुरा कहने के बजाय खुद अपनी गलती का एतराफ़ करें। इस तरह ये मुमकिन हो जाएगा कि आदमी का पहला इकदाम अगर गलत हो गया था, तो वो दूसरी बार सही इकदाम करे। वो अपनी गलती की इस्लाह करके अपने आप को और दूसरों को मज़ीद तबाही से बचा लें।